गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं संदीप चारण आप सभी का सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट का टॉपिक चल रहा था। पीछे अपन ने अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो टॉपिक था उसके बारे में बेसिक पढ़ा था, ठीक है, और कुछ एक अपन ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। बस यही बताया था कि अल्फ़ाबेट के नंबरिंग को कैसे याद करना है, अपोजिट क्या होता है, अगर अपोजिट निकालना आप भूल जाओ, एग्ज़ाम में आपके याद नहीं रहे, तो फिर आपको अपोजिट कैसे निकालना है, क्या बायां किनारा होता है, क्या दायां किनारा होता है, ठीक है। देखिए, पीछे की जो क्लास थी मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि कर्म पर आधारित प्रश्न आते हैं, कर्म पर आधारित। वहां आपको मैंने ये बताया था कि यदि व्यक्ति के चलने का तरीका समान हो तो माइनस किया जाता है और विपरीत हो तो प्लस किया जाता है। अगर कोई बच्चा नया आया है तो पहले वो अल्फ़ाबेट टेस्ट के पार्ट फर्स्ट में जाए, ठीक है, उसके बाद पार्ट सेकंड देखें, तभी समझ में आएगा, ठीक है। समान है तो माइनस करेंगे, विपरीत है तो प्लस करेंगे। दो बातें मैंने आपको और भी बताई थी, तीन बातें, कि यदि कोई व्यक्ति केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत करता हो तो आए हुए वास्तविक उत्तर को 14 में से माइनस किया जाता है। आए हुए वास्तविक उत्तर को कितने में से माइनस किया जाता है? 14 में से माइनस किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर रहा हो तो आए हुए उत्तर को 40 में से माइनस किया जाता है। भाई किसमें से माइनस करेंगे? 40 में से। अगर ये याद ना हो तो आपको इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, और यदि संपूर्ण वर्णमाला को विपरीत किया जाए, संपूर्ण वर्णमाला को विपरीत किया जाए तो आए हुए उत्तर को 27 में से घटा दिया जाता है। तो आए हुए उत्तर को 27 में से घटा दिया जाता है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये 14, 40, 27 में अगर याद नहीं रहे तो देखना, प्रथम अर्धांश मैंने आपको बताया था ए से लेकर एम तक होता है, द्वितीय अर्धांश मैंने आपको बताया था एन से लेकर जेड तक होता है, और तृतीय अर्धांश क्षमा चाहूँगा संपूर्ण वर्णमाला जो है वो ए से लेकर जेड तक मानी जाती है। अगर अगले ने कहा कि केवल प्रथम अर्धांश विपरीत करो यानी ये विपरीत होगा, तो देखिए एक नंबर जो है वो किसकी जगह जाएगा? 13 नंबर की जगह, और 13 नंबर किसकी जगह आएगा? एक नंबर की जगह। तो इन दोनों का योग कितना हुआ? 14, यानी उत्तर कितने में से माइनस होगा? 14 में से माइनस होगा। एन कितने नंबर पर है? 14 नंबर पर। जेड कितने नंबर पर है? 26 नंबर पर। केवल द्वितीय अर्धांश विपरीत होने का मतलब क्या होगा कि ये जो एन है ये जेड की जगह चला जाता है, और जो जेड है वो किसकी जगह आ जाता है? एन की जगह। अब एक बात देखिए, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा कि अर्धांश को तो प्रथम को विपरीत करेगा और प्रश्न दूसरे अर्धांश में से पूछेगा, तो याद रखना यहाँ पे केवल फर्स्ट अर्धांश को विपरीत किया गया है। अगर अल्फाबेट या अक्षर दूसरे अर्धांश का हो तो उस पर यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो वास्तविक उत्तर आएगा वही रहेगा। यहाँ पे केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जा रहा है। अगर यहाँ पे बाय द वे फर्स्ट अर्धांश से क्वेश्चन पूछा जाए तब आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे अर्धांश को विपरीत कर रहा है और अक्षर भी आपका दूसरे अर्धांश का ही है, तब आप किसमें से माइनस करोगे? 40 में से। क्यों? क्योंकि अब 14 नंबर अक्षर जो है वो 26 नंबर की जगह जा रहा है, और 14 और 26 का योग कितना हो गया भाई? 40 हो गया। कितना हो गया? 40। ऐसे ही अपन बात करते हैं संपूर्ण वर्णमाला की, तो संपूर्ण वर्णमाला में ए जो है वो जेड से चेंज होगा। ए किससे चेंज होगा? जेड से। ए जेड की जगह जाएगा और जेड किसकी जगह आएगा? ए की जगह आएगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे देखो 26 और 1 का योग कितना हुआ? 27। तो किसमें से माइनस करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे। आगे बात समझ में? याद रखने का तरीका, जो जिससे चेंज होगा उन दोनों के नंबरों का टोटल कर दीजिए, ठीक है। अब अपन आगे बात करेंगे इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसा प्रश्न आएगा, कैसे अपने को सोल्व करना है, ठीक है। जैसे मैंने एक प्रश्न लिया, यदि वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाए तो वर्णमाला के
तो वर्णमाला के बाएं किनारे से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? देखिए, चेंजमेंट क्या किया गया है, केवल प्रथम अर्धांश को चेंज किया गया है, यानी पहले अपने को वास्तविक उत्तर निकालना है और वास्तविक उत्तर निकाल के उसको किसमें से माइनस करना है भाई, 14 में से माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है? 14 में से माइनस करना है। लेकिन आप ये देख लेना कि अगर प्रथम अर्धांश का अक्षर है तभी उसको 14 में से माइनस करूंगा। बाय द वे, अगर दूसरे अर्धांश का अक्षर आ गया तो फिर तो एक बात बताओ, दूसरे पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं है, तो जो अक्षर आएगा वो कब रहेगा, क्योंकि यहाँ ए और एम चेंज हो रहे, एन से आगे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं इसका वास्तविक उत्तर निकाल लेता हूं। देखिए, मैंने कहा था कि प्रश्न की शुरुआत वहां से करनी है जहां से आपको पहले सबसे पहले किनारा मिले, ठीक है, या फिर अपन ये कहेंगे कि पूरे क्वेश्चन का प्रोसेस जो है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, जिस किनारे से प्रश्न की शुरुआत हुई है। तो किस किनारे से शुरुआत हुई है भाई? बाएं किनारे से। अब देखिए यहां क्या नाम आया, बायां। मैंने क्या कहा, समान हो तो माइनस करेंगे, विपरीत हो तो प्लस करेंगे। समान का मतलब अगर बाएं के आगे कहीं इसके जैसा बायां ही नाम दिखे तब तो उस नंबर को माइनस करना है, और इसके आगे इसके विपरीत यानी कहीं दायां दिखे तो उसके नंबर को प्लस करना है। देखिए, सबसे पहले आया 15, सबसे पहले क्या आया 15, आगे क्या नाम आ रहा है, बायां। तो बताइए बायां और बायां समान है कि नहीं? समान है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कितना, 9। 15 माइनस 9 कितना बचा भाई, 6। कितना बचा, 6। ये छठा अक्षर कौन से किनारे से, बाएं किनारे से। कौन से किनारे से, बाएं किनारे से। और बाएं किनारे से छठा अक्षर क्या होता है भाई, एफ। क्या होता है, एफ। लेकिन अभी तक ये अपना उत्तर नहीं है, ये अपना उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया। तो मैंने कहा था अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दें तो आए हुए उत्तर को किसमें से माइनस करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे। तो उत्तर आया था 6, 14 माइनस 6 कितना बचा, 8, और 8 नंबर पे कौन, एच। ये अपना सही उत्तर माना जाएगा। आगे बात समझ में। इसके अपोजिट मैं आपको एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन और बता देता हूँ कि क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से होगा तो किस प्रकार से पूछा जाता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णमाला परीक्षण से, और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठ के आता है, ठीक है। देखिए, मैंने इसी पे क्रॉस क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बच्चे को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न कैसे पूछेगा, ठीक है। देखिए, मैंने कहा यदि वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाए, विपरीत किया जाए, तो वर्णमाला के बाएं किनारे से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? इसने बेसिकली सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा है कि यदि वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो वर्णमाला के बाएं किनारे से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अपन इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। वर्णमाला में परिवर्तन हुआ है केवल प्रथम अर्धांश में, यानी दूसरे अर्धांश में कोई चेंजमेंट नहीं है। तो एक बार आप एक साइड में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को अलग अलग लिख लीजिए। प्रथम अर्धांश जो होता है वो होता है ए से लेकर एम तक, यानी 1 से 13 तक। द्वितीय अर्धांश जो होता है वो होता है एन से जेड तक, 14 से 26 तक, ठीक है। अब अपन अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हुई है, बाएं किनारे से। कहाँ से हुई है भाई, बाएं किनारे से। इसका मतलब क्वेश्चन में जो भी अपना वर्किंग प्रोसेस रहेगा वो अपन किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बाएं किनारे के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ नाम क्या आया, बायां, और यहां भी नाम क्या है, दायां। देखिए, ये दोनों अपोजिट है कि नहीं,
और अपोजिट है तो मैं इनका क्या करूंगा, योग करूंगा। किस किस का, 10 + 7 यानी कितना आया, 17वां अक्षर। कौन सा अक्षर, 17वां अक्षर। अब यहाँ स्टूडेंट ये बात जरूर सोचेगा कि इसने प्रथम अर्धांश को विपरीत किया हो तो मैं उत्तर को 14 में से माइनस करूँगा, तो 14 में से 17 माइनस कैसे होगा। ध्यान रखना इसने सिर्फ प्रथम अर्धांश को विपरीत किया है, सिर्फ कौन से अर्धांश को विपरीत किया है, प्रथम को, यानी 1 से 13 तक इसने चेंजमेंट किया है, यानी 14 से आगे वाले अक्षरों पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। और यहाँ अक्षर कौन सा आ रहा है, 17वां, इसका मतलब अब यहाँ परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन जो सीधा सा अपना अल्फ़ाबेट होगा बाएँ किनारे से 17वां, वही अपना उत्तर होगा। और बाएँ किनारे से 17वां अल्फ़ाबेट कौन सा होता है भाई, क्यों होता है, आगे बात समझ में। तो ये चीज क्लियर है केवल प्रथम अर्धांश वाली। अब मैं लेके चलता हूं द्वितीय अर्धांश वाली, कि केवल द्वितीय को अगर विपरीत करें तो अपने को प्रश्न का आंसर कैसे करना है। देखिए इस टॉपिक में भले ही आप थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, लेकिन ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक्स के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा केवल द्वितीय अर्धांश की। मैंने एक क्वेश्चन लिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जाए तो वर्णमाला के बाएं किनारे से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, या 7वां कर दो, 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो चेंजमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से अर्धांश में हुआ है, द्वितीय अर्धांश में। यानी अपन चेंजमेंट तभी करेंगे जब अपना अक्षर का नंबर बाईं ओर से 14 से 26 के बीच होगा, अपन तभी चेंज करेंगे, वरना इसको चेंज नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। तो देखिए इसने कहा द्वितीय अर्धांश को सा विपरीत कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे, लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इसने कहा वर्णमाला के बाएँ किनारे से, कौन से किनारे से, बाएं किनारे से। इसका मतलब क्वेश्चन का आगे जो भी वर्किंग प्रोसेस रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, बाएं के अकॉर्डिंग रहेगा। किसके अकॉर्डिंग रहेगा, बाएं के अकॉर्डिंग रहेगा। बाएं से कौन सा, 15वां, तो इस नंबर को कैच कर लीजिए, 15 हो गया। अब इसके आगे मैं नाम देखूंगा, अगर इसके जैसा का जैसा नाम है तब तो माइनस और अपोजिट है तो प्लस। तो ये देखिए दाएं है, इसके अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, और अपोजिट है तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। 15 में 7 को ऐड किया यानी 22वां अक्षर, कौन सा अक्षर, 22वां अक्षर, वो भी कौन से किनारे से, बाएं किनारे से। क्यों भाई, क्योंकि प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाएं किनारे से। अब देखिए बाएं किनारे से जो 22वां अक्षर है क्या वो द्वितीय अर्धांश में है या नहीं, ये देखना जरूरी है। तो बिल्कुल है, क्योंकि द्वितीय अर्धांश बाएं से 14 से 26 के बीच है तो 22 इसमें आएगा ही आएगा। तो अब मैंने क्या कहा था कि यदि एग्जामिनर केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत करता हो तो उसका जो आंसर है उसको किस में से माइनस किया जाता है, 40 में से माइनस किया जाता है। किस में से माइनस करते हैं, 40 में से माइनस करते हैं। तो मेरा आंसर क्या निकला था, 22वां अक्षर, कौन सा आंसर निकला था, 22वां अक्षर। तो 40 माइनस 22 कितने बचे भाई, 18, और 18 नंबर पे कौन आता है, R आता है, कौन आता है, R। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या होगा, R हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि ये जो तीनों ट्रिक हैं, 14 माइनस करने वाली, 40 में से माइनस करने वाली और 27 में से माइनस करने वाली, ये तीनों ट्रिक कब लगेगी, जब अक्षर का क्रम हमेशा बाएं सिरे से ज्ञात हो। ये तीनों ट्रिक कब लगती हैं, जब अक्षर का क्रम किस सिरे से ज्ञात हो, बाएं सिरे से ज्ञात हो। एग्जामिनर आपको बाएं सिरे से कम देगा, वो अक्षर का क्रम आपको कहां से देगा, दाएं सिरे से देगा, कहां से देगा, दाएं सिरे से।
तो बाएं सिरे से दाएं में चेंज करना या दाएं सिरे से बाएं में चेंज करना हो तो आप किस में से माइनस कर सकते हो, 27 में से माइनस करके उसका किनारा बदल सकते हो। फिर वो 27 में से माइनस करते बाएं किनारे की जगह दाएं से आ जाएगा और दाएं की जगह बाएं से आ जाएगा। जैसे आपके सामने एक प्रश्न लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत करने पर दाएं किनारे से पांचवे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। यहां पे अब इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन में चीज वही है लेकिन कंफ्यूज करने वाली बात आगे इस किनारे वाली आएगी। क्यों? क्योंकि मेरी ट्रिक तो कब लगेगी, जब अक्षर का क्रम बाएं सिरे से हो। लेकिन जब इस प्रश्न को मैं साधारण प्रश्न की भांति हल करूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो दाएं किनारे से आएगा। देखिए कैसे आएगा कि मैंने केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया है। केवल कौन से अर्धांश को विपरीत किया है, द्वितीय अर्धांश को। एक बात और देखना, ये जो प्रथम अर्धांश है ये बाएं सिरे से तो 1 से 13 होता है। बाएं सिरे से कौन सा होता है, 1 से 13 होता है। और अगर इसको दाएं सिरे से देखें, कौन से सिरे से देखें, दाएं सिरे से देखें, तो ये 14 से 26 पे हो जाता है। क्योंकि जेड से चल के आऊंगा तो एन कितने नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे। वैसे द्वितीय अर्धांश जो है वो बाएं तो 14 से 26 होता है लेकिन दाएं 1 से 13 में आ जाता है। दाएं 1 से 13 में आ जाता है, ठीक है। देखिए द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर रहा हूं मैं, कौन से किनारे से प्रश्न की शुरुआत हुई, दाएं किनारे से। कौन से किनारे से प्रश्न की शुरुआत हुई, दाएं किनारे से। तो क्वेश्चन का जो वर्किंग प्रोसेस है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, दाएं किनारे के अकॉर्डिंग रहेगा। किसके अकॉर्डिंग रहेगा, दाएं किनारे के अकॉर्डिंग रहेगा। देखिए यहां क्या नाम आया, दाएं नाम आया। यहां क्या नाम आया, दाएं। और यहां भी क्या नाम आया, दाएं। दोनों जगह समान है तो माइनस होगा, तो 5 माइनस 2 तो सीधी सी बात है कितना आया, 3। तो तीसरा अक्षर कौन से किनारे से, दाएं किनारे से। अब अगर अपन दाएं किनारे से तीसरा अक्षर देखेंगे, जेड से चलेंगे, तो बिल्कुल वो द्वितीय अर्धांश में ही आ रहा है। इसका मतलब ये 40 वाला परिवर्तन जो है वो करना जरूरी है। जो 40 वाला प्रश्न जो परिवर्तन है वो करना जरूरी है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये परिवर्तन और ये ट्रिक तभी लागू करनी है जब अपने जो अक्षर आया है उसका क्रम बाएं किनारे से हो। बिल्कुल आपको यही कंफ्यूज कर देगा कि यार 40 में से 3 माइनस करूं तो 37 नंबर पे आता है। 40 में से 3 माइनस करोगे तो कितने नंबर पे आता है, 37। अब 37वां अक्षर तो वर्णमाला में होता ही नहीं, वर्णमाला में तो अक्षर केवल कितने होते हैं, 26। तो पहले आप इसको दाएं किनारे की बजाय बाएं में चेंज कर दो। और मैंने क्या कहा था, अगर किसी अक्षर का क्रम बदलना हो, उसको दाएं किनारे की जगह से बाएं किनारे पे लाना हो, तो उसको 27 में से माइनस करते हैं। किस में से माइनस करते हैं, 27 में से। और 27 में से 3 माइनस किया तो कितना आया, 24। यानी अब जो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर था वही अक्षर बाएं किनारे से कौन सा हो गया, 24वां। बाएं किनारे से कौन सा हो गया भाई, 24वां हो गया। अब देखिए अक्षर का क्रम बाएं किनारे से ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। और द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर रखा है तो इसको किस में से माइनस कर दूंगा, 40 में से माइनस कर दूंगा। किस में से माइनस करूंगा, 40 में। तो 40 माइनस से 24, पीछे क्या बचेगा साहब, 16वां अक्षर। कौन सा अक्षर है, 16वां अक्षर। कौन से किनारे से, बाएं किनारे से। और बाएं किनारे से 16वां अक्षर कौन होता है जनाब, पी होता है। कौन होता है, पी होता है। आगे बात समझ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ इनके स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहना। और आपकी बुक्स, चाहे आप कोई भी बुक्स यूज़ ले रहे हो या आप कोई भी प्रैक्टिस सेट यूज़ ले रहे हो या आप किसी गूगल साइट से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद इसका मैचिंग जो क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पे सोल्व करना है। और अगर आपकी उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपना क्वेश्चन ऑफिस तक पहुँचा देना, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपन करेंगे एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूरी वर्णमाला को विपरीत किया जा रहा हो, जिसमें पूरी वर्णमाला को विपरीत किया जा रहा हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, यदि
संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत किया जाए, यदि संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत किया जाए तो बाएं किनारे से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ट्रिक तभी लागू होगी जब अक्षर का क्रम अपने को क्वेश्चन में बाएं किनारे से दिया गया हो। अगर बाय द वे प्रश्न का जो क्रम है वो अपने को बाएं किनारे से ना दिया गया हो तो पहले उसको बाएं में चेंज करेंगे, कितने में से माइनस करके, 27 में से माइनस करके, और फिर उसको जो ट्रिक है उसमें कितने में से माइनस करना है वो काम अपन कर लेंगे। देखिए इसने कहा इस बार संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत किया जा रहा है, इस बार संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत किया जा रहा है। कहने का मतलब इस बार का जो अपना वर्किंग प्रोसेस होगा उसमें ए किससे चेंज होगा, जेड से चेंज होगा, और जेड किसकी जगह जाएगा, ए की जगह जाएगा। तो बेसिक सी बात है किसमें से माइनस किया जाएगा, 27 में से, लेकिन कब माइनस करेंगे 27 में से, जब अक्षर का क्रम पहले ही बाएं किनारे से दिया गया हो। ठीक है, तो पहले एक बार इस स्टेटमेंट को मैं भूल रहा हूँ, भूलने का मतलब कि एक बार इसको छोड़े तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए कौन से किनारे से, बाएं किनारे से, कौन से किनारे से है भाई, बाएं किनारे से। वर्किंग प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग रहेगा, बाएं के अकॉर्डिंग रहेगा, किसके अकॉर्डिंग रहेगा, बाएं के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या नाम आया, बाएं, और यहाँ क्या नाम आया, दाएं। देखिए बाएं और दाएं दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नंबर का क्या होगा, टोटल होगा। तो 10+9 यानी 19वां अक्षर, कौन सा अक्षर, 19वां अक्षर, वो भी कौन से किनारे से, बाएं किनारे से, कौन से किनारे से है भाई, बाएं किनारे से। तो बताइए अब अगर बाय द वे वर्णमाला को विपरीत नहीं करता तो यहां मेरा आंसर होता एस, क्या होता, एस। लेकिन अब ये आंसर एस नहीं है, अब ये आंसर एस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने संपूर्ण वर्णमाला को विपरीत किया है। तो ऐसा नाम आते ही आपके माइंड में तुरंत आएगा कि किस में से माइनस करना है भाई, 27 में से माइनस करना है। लेकिन मैंने आपको एक शर्त और बताई थी, 27 में से माइनस तभी होगा जब अक्षर का क्रम अपने को बाएं किनारे से ज्ञात हो, किधर से ज्ञात हो, बाएं किनारे से। तो देखिए ये अक्षर का क्रम जो है ये बाएं किनारे से ही ज्ञात है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट इसको 27 में से माइनस कर सकता हूँ। तो 27 माइनस 19, पीछे कितना बचा, 8, पीछे कितना बचा, 8, और 8 नंबर पे कौन आता है जी, H आता है, कौन आता है, H, यानी S किससे अपोजिट होगा। और सीधी सी बात ये बता देता हूँ कि अगर पूरी वर्णमाला को विपरीत कर रहे हैं तो जो आपका वास्तविक उत्तर आता है उसका अपोजिट ही सही आंसर होगा, लेकिन अगर दाएं किनारे से कर रहे हैं तो फिर आपको दो बार चेंजमेंट करना पड़ेगा, एक बार तो उसको दाएं से बाएं में बदलेंगे और दूसरी बार उसको फिर 27 में से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि संपूर्ण वर्णमाला को वहां पे विपरीत किया जाता है। तो ऐसा ही एक प्रश्न जो है वो मैं आपको करके बताता हूं कि यदि वर्णमाला को पूरी को अपोजिट कर दे, पूरी वर्णमाला को अपोजिट कर दे और जो ये अक्षर है इसका क्रम बाएं से न दे के दाएं से दे दे, तो दाएं से तो आपको पता है सीधी सी बात कि ये ट्रिक लगेगी नहीं सीधी, तो पहले उसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद में ये ट्रिक लगेगी। तो देखिए कैसे करना है प्रश्न को, मैंने क्वेश्चन लिया अंग्रेजी वर्णमाला को या अंग्रेजी वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों को विपरीत करने पर, संपूर्ण अक्षरों को विपरीत करने पर दाएं किनारे से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, दाएं किनारे से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए संपूर्ण वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत किया जा रहा है तो इसका मतलब उत्तर आएगा तो 27 में से माइनस होगा, लेकिन कब माइनस होगा,
जब जो अक्षर का क्रम है वो पहले से अपने को बाएं किनारे से ज्ञात हो, तभी अपना 27 में से माइनस होगा। देखिए इस प्रश्न में क्या है कि यहाँ पे दाएं किनारे से क्रम दिया गया है। कौन से किनारे से क्रम दिया गया है? दाएं किनारे से कौन सा अक्षर है भाई? 12वां अक्षर। और उसके दाएं कौन सा अक्षर है? 5वां अक्षर। तो 12 दोनों दाएं दाएं हैं तो माइनस होगा। 12 माइनस 5 यानी कितना बचा? 7वां अक्षर। वो भी कौन से किनारे से? दाएं किनारे से। अब देखिए अधिकतर बच्चे इसको अब तुरंत 27 में से माइनस करेंगे और 20 बचेगा। 20 नंबर पे वो करेंगे टी। क्या करेंगे? टी। लेकिन वो उनका उत्तर क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक अक्षर का जो क्रम है वो कौन से किनारे से है? दाएं किनारे से। कौन से किनारे से हैं? दाएं से। और मैंने कहा था कि ये जो तीनों ट्रिक हैं ये दाएं किनारे से न लग के किससे लगती हैं? बाएं किनारे से। तो पहले मैं इस अक्षर का क्रम चेंज करूँगा बाएं में, तो किस में से माइनस करूँगा? 27 में से। तो 27 माइनस 7 कितना बचा? 20वां अक्षर। कौन सा अक्षर भाई? 20वां अक्षर। कौन से किनारे से? बाएं किनारे से। कौन से किनारे से? बाएं। अभी तक मैंने सिर्फ अक्षर का क्रम चेंज किया है, वर्णमाला को चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये जो 7वां अक्षर था दाएं से, ये बाएं से कौन सा अक्षर हो गया? 20वां अक्षर हो गया। तो अब मैं क्या लगा सकता हूँ? ये ट्रिक लगा सकता हूँ क्योंकि अब ये बाएं में चेंज हो गया। और ट्रिक लगाने का मतलब इसको किस में से माइनस करेंगे? वापस 27 में से माइनस करेंगे। तो 27 माइनस 20, 27 माइनस कितना? 20। क्या बचा? 7वां अक्षर। कौन से किनारे से? बाएं किनारे से। और बाएं किनारे से 7वां अक्षर कौन होता है भाई? जी होता है, जो कि अपना वास्तविक उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक सबसे सॉलिड बात बता देता हूँ, सीधी डायरेक्ट बात बता देता हूँ। क्या बात है वो ध्यान से समझना। संपूर्ण वर्णमाला को यदि विपरीत किया जाए तो क्या होगा, वो बात मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि यदि संपूर्ण वर्णमाला विपरीत करें, यदि कौन सी वर्णमाला? संपूर्ण वर्णमाला को, संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दे और प्रश्न में अक्षर का क्रम बाएं सिरे से ज्ञात हो तो उसका विपरीत, अक्षर सही उत्तर माना जाता है। कहने का मतलब क्या कि भाई पूरी वर्णमाला को विपरीत कर दे, पूरी वर्णमाला को क्या कर दे? विपरीत कर दे। और प्रश्न में जो अक्षर का क्रम है वो बाएं से ज्ञात हो, बाएं किनारे से ज्ञात हो, तो फिर आपको वास्तविक उत्तर निकालना है और उसका विपरीत अक्षर ही आपका सही उत्तर है माना जाएगा। लेकिन यदि अक्षर का क्रम दाएं किनारे से ज्ञात हो, तो वास्तविक उत्तर ही, सही उत्तर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे दो बार 27 में से माइनस करोगे और दो बार 27 में से माइनस करोगे तो वापस वही चीज़ आएगी। तो सीधी सी बात पड़ी, यदि संपूर्ण वर्णमाला विपरीत हो, प्रश्न का क्रम बाएं किनारे से ज्ञात हो, तब तो आपको उत्तर निकालना और उसका विपरीत अक्षर सही उत्तर माना जाएगा। और यदि अक्षर का क्रम दाएं किनारे से ज्ञात हो, तब आपका वास्तविक जो उत्तर आएगा वही आपका सही उत्तर माना जाता है। आगे बात समझ में, आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे, ऐसे ही प्रश्न पढ़ेंगे लेकिन उसमें साथ में लैंग्वेज कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वर्णमाला क्रम में अक्षरों को रखना होगा या फिर स्वर या व्यंजन को चेंजमेंट करना होगा, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आज कोई बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो पहले जाके अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट 1 जरूर देख ले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपके पास समय पर पहुँच सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।